हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आपकी जो स्किन का टेक्सचर है, आपकी स्किन का जो डलनेस आ जाती है, आपकी स्किन पे थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स वगैरह, आपके पिंपल्स के निशान, आपके मतलब आप ये जो मैं पैक बनाने वाली हूँ, आप इसको पैक कह सकते हो या फिर आप ब्लीच कह सकते हो, मतलब कुछ भी आप जो समझना चाहें समझ सकते हैं। लेकिन इससे ये बहुत ही अच्छा पैक है, या ब्लीच समझ लीजिए आप। आप इसको पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो, आप अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है कि आप इसको मतलब अपनी किसी भी बॉडी पार्ट्स पर इसको यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है ये पैक जो मैं बनाने वाली हूँ। और ये सारे जो भी मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, आपको सारे घर पर ही मिल जाएंगे और आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, आप लोगों को मतलब पसंद आता है, आप लोग पहले इसको यूज़ कीजिए, फिर मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो मतलब आपको ये ब्लीच कैसा लगा। तो मैं चलिए शुरू करते हैं। और अगर ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगे आपको तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। और सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता है। जो भी आप लोग नए आए हैं, तो जो व्यूअर्स मेरे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा और आप न्यू वीडियो उससे चेकआउट कर सकते हो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा उस वीडियो का। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लीच में बनाने वाली हूँ, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स घर पर ही मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप हर स्किन सूटेबल इसको कर सकता है, मतलब आपके सारी स्किन सूटेबल है ये, तो आप इसको हमेशा कर सकते हो। आपको ये वाला जो पैक है, आप इसको 10 डे में या फिर 1 वीक में इसको अप्लाई कर लीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको। और आप हाँ, इससे आपके जो हेयर का कलर है वो तो चेंज नहीं होगा, मतलब गोल्डन नहीं होगा, ये ब्लीच है क्योंकि, लेकिन आपकी स्किन के कलर में ज़रूर इम्प्रूव होगा, मतलब आपकी स्किन का जो टेक्स्चर है, अगर आपकी स्किन मतलब लाइट कर देगा ये, एक दो टोन आपका लाइट कर देगा स्किन को, तो आप इसको यूज़ करिए और आप इसको बना सकते हो। आप इसको रोज़ जब भी आपको बनाना है, जब आपको अप्लाई करना है, उस समय आप इसको बना लीजिए। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। और फ्रेंड्स, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ एक फाउंडेशन और एक कॉम्पैक्ट ही मैंने यूज़ किया है। और मेरी स्किन आप देख लीजिए, तो मैं इसको हमेशा लगाती रहती हूँ। 10 डेज में लगा लूँगी या फिर मुझे अगर 1 वीक में मुझे लगता है कि लगा लेना चाहिए तो मैं लगा लेती हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। और अगर आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही है तो उसको भी इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि फ़ैन चल रहा है। तो चलिए फटाफट से इसको यूज़ करते हैं और किस तरह से बनाना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने फेस पर नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है। मैं बहुत दिनों से हर जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही थी मैं अपने फेस पर ही लगा रही थी, लेकिन अब मैं अपने फेस पर नहीं अप्लाई करने वाली हूँ। मैं अपने मतलब आपको आर्म्स दिखाऊंगी, अपने हैंड्स दिखाऊंगी, हैंड पर ही अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो आपके हैंड मतलब जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पहले आपकी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप अगर बॉडी पर कर रहे हैं तो आप शार ले लीजिए, आप जो भी यूज़ करते हैं, आप साबुन यूज़ करते हैं, साबुन लगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इसमें ले रही हूँ, ये है टोमेटो का जूस है, ये मैंने टोमेटो जूस ले लिया है। और इसमें मैं लूँगी ये जूस ले लूँगी मैं, क्योंकि जो ये जूस है मैं ले रही हूँ, पोटैटो का जूस ले रही हूँ मैं। तो ये मैंने निकाल कर रख लिया है, इसको मैंने कद्दूकस करके निकाला है और स्क्वीज़ कर लिया है, तो मैं इसको भी डाल दूँगी। और मैं इसमें थोड़ा सा थिक दही ले रही हूँ, आप कर्ड ले सकते हो, कर्ड बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, तो आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा काम करता है ये। तो मैं इसमें बस इतना ही थिक दही लेना है, बिल्कुल आपको मतलब पानी बेस नहीं लेना है, पानी उसका निकाल दीजिए तब आप ले लीजिए। और मैं इसमें थोड़ा सा टर्मरिक ले रही हूँ, आप
जो घर में आपकी हल्दी रहती है किचन हल्दी, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आप मतलब आप अगर चाहें तो वो वाली हल्दी भी ले सकते हैं जो कि वाइल्ड टर्मरिक आती है, तो ये मैंने वाइल्ड टर्मरिक लिया है। और ये टमाटो जूस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपकी स्किन का, अगर आपकी टैनिंग हो रखी होगी वो भी इससे इम्प्रूव होगी, मतलब दूर हो जाएगी आपकी टैनिंग। हैंड पर या बॉडी पर कहीं पर भी आपको टैनिंग है तो वो भी दूर हो जाएगी। और अगर आपकी और मैंने टमाटो पटेटो का जूस इसलिए लिया है क्योंकि आपकी स्किन पे जो भी डलनेस होती है, आपकी स्किन में ब्लैकनेस हो जाती है, तो उसको भी इससे रिमूव कर देता है ये पटेटो का जूस। पटेटो के जूस से आपकी जो दाग धब्बे हैं वो भी दूर होते हैं क्योंकि इसमें इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आपकी जो दाग धब्बे हैं वो इससे दूर हो जाएं। और विटामिन सी होता है टमाटो में, तो इसलिए टमाटो भी मैंने लिया है। और कर्ड भी मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये बहुत खट्टा होता है और आपकी स्किन अगर ड्राई है इस समय तो ऐसा वेदर ही है कि आप ड्राई स्किन हो या कॉम्बिनेशन स्किन हो या फिर ऑयली स्किन हो, सबकी ऑयली ऑयली से ही हो रही है क्योंकि ये वेदर ही बारिश का मौसम चल रहा है, रेनी सीजन है तो ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर मैं आपको इसको लगाना दिखाती हूँ कि इसको आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। मैं हैंड पर दिखा रही हूँ, अगर आप फेस पर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मैंने इसको बना लिया है और मैं अब अपने हैंड्स पर अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। तो मैं हैंड्स पर दिखाऊंगी, तो मैंने हैंड बिल्कुल क्लीन कर लिए हैं, अब मेरे हैंड बिल्कुल क्लीन हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको इसको लगाकर। और इसको 15 से 20 मिनट्स के लिए आप इसको लगाकर रख सकते हो। तो चलिए फटाफट से मैं इसको लगा लेती हूँ और पैक को लगाकर रखूँगी मैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इस कॉटन पैड से इसको लगाऊंगी अपने हैंड्स पर, और आपके हैंड्स एकदम क्लीन होने चाहिए। तो मैं इस तरह से लगाऊंगी, मैं आपको सिर्फ लगा कर दिखा रही हूँ इसलिए मैं लगा रही हूँ ऐसे, और फिर मैं अब लगा लूँगी अच्छे से बाद में। आप इसको 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही एज इट इज़ लगा कर रखिए, तो बहुत ही अच्छा से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और इस तरह से इसको लगा लेना है आपको, आपको दोनों हैंड्स पर लगाना है। मैं आपको एक ही हैंड पर दिखा रही हूँ अभी, अभी फ़िलहाल मैं एक ही हैंड पर लगा रही हूँ, फिर मैं बाद में लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स 20 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं अब इसको वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको अपनी स्किन का टेक्स्चर। और ये जो येलो येलो है उससे, ये टर्मरिक से है, टर्मरिक तो आप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है स्किन पे लगाना, बहुत अच्छा लगता है इसको लगाकर, और इससे आपका स्किन ब्राइट होता है। तो ये देखिए 20 मिनट्स हो गए, तो मैंने दोनों हैंड्स पर अप्लाई कर लिया है, तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे हैंड, और अब आप देख लीजिए कि ये कितने क्लीन लग रहे हैं, एकदम शाइनी लग रहे हैं। आप तो ये पहले ही बार में हैं जो कि इतना अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको लगाते रहिए, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है ये। तो आप इसको लगा सकते हो, आपको मैंने बता दिया है, आप इसको हफ्ते में एक बार लगा सकते हो, 1 वीक में आप लगा लीजिए कभी भी जब आपका मन हो, या फिर 10 डेज में लगा लीजिए, या 10-12 दिन बाद लगा लीजिए, आपकी मर्ज़ी है वो। तो मैं आपको इसे दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा हो जाता है आपकी स्किन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस अपनी स्किन पर, थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आप इम्प्रूव चाहते हैं अपनी स्किन पर, स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, ग्लोई रखना चाहते हैं, आपकी स्किन अच्छी दिखे, आपकी स्किन पर स्पॉट्स वगैरह ना हो, डल ना लगे, आपकी स्किन इवन टोन हो, मतलब कि आपके जैसा फेस है वैसा ही आपका पूरी बॉडी में हो, जो कलर है आपका वो अच्छा होना चाहिए, तो आपको अच्छा भी लगेगा। और चलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं फ्रेंड्स, तो हमेशा लाइक करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लाइक करने में। प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, और जैसे ही आप हिट करेंगे तो मेरा न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, आप उसको भी देखिए। और अगर आप फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फेशियल हेयर हैं वो भी रिमूव हो जाएं, तो मैंने एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको चेकआउट कीजिए। आप डालेंगे फेशियल हेयर रिमूविंग तो आपको मिल जाएगा, मेरा नाम डालेंगे रिचा रॉय, उसके बाद आप फेशियल हेयर रिमूवर डालेंगे, फेशियल हेयर रिमूव करके, तो आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हो। क्योंकि आपकी स्किन पे जितने भी फेशियल हेयर वगैरह होते हैं उससे भी आपकी स्किन डल दिखती है, आपका स्किन का जो कलर करेक्शन मतलब इवन टोन नहीं लगती है, आपकी स्किन में हेयर्स नहीं होने चाहिए, आपके फेस पर, आपके हेड पर हेयर हटा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और आपकी जो स्किन है बहुत ही स्मूथ होती है, और स्किन ग्लो भी करती है, और आपकी स्किन मतलब ऐसे होता है कि आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट मतलब मीन्स कि आपकी स्किन से इस तरह से लगना चाहिए कि हाँ कुछ छुआ है, मतलब कोई देख रहा है कि आपकी स्किन किस तरह की है, तो उससे पता चलता है कि आप अपना कितना ध्यान रखते हैं, किस तरह से आप रहते हो, इससे आपकी मतलब आपका पता चलता है कि आप अपना कितना ध्यान रखते हैं, अपनी फैमिली का कितना ध्यान रखते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छे अच्छा करिए अपनी लाइफ में, अच्छा अच्छा काम कीजिए, अच्छे बनिए, और हमेशा खुश रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए, और अपनी लाइफ में जो भी मोटिवेट है वो कीजिए, बस आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं फ्रेंड्स, बार बार ये बोलती हूँ, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, मुझमें आप लोगों को पसंद क्या आ रहा, मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ, आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए, मुझे मोटिवेट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।